अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हुए वर्ष भर सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक कार्यकर्ता को सेवा दल में जोड़ने का किया आह्वान। कांग्रेस 28 दिसंबर 2021 को उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस सेवा दल का स्थापना दिवस ध्वजारोहण के साथ देहात जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपोल पर पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्या के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता देहात एवं शहर अध्यक्ष मोहम्मद सिंह राणावत कौशल आमेटा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रदेश संयोजक शिक्षा डॉक्टर महेश त्रिपाठी, आपदल प्रबंधन गोपाल नागर, पंचायती राज ग्रामीण विकास दयालाल चौधरी, चिकित्सा प्रकोष्ठ सचिव डॉक्टर ओपी महात्मा। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा कांग्रेस सेवा दल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हुए वर्ष भर सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक कार्यकर्ताओं को सेवा दल में जोड़ते हुए रचनात्मक कार्यों को करने का आह्वान किया गया। कांग्रेस पार्टी से चुनाव चिन्ह लड़ने वाले प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देने व पूर्व देहात कांग्रेस सेवा दल भगवत सिंह झाला उपाध्यक्ष टेकचंद गमेती के असामाजिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रगान के साथ युवा ब्रिगेड के कुलदीप सोनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सरपंच हरजीराम बडेरा, सरपंच खेलीलाल परमार, पंचायत समिति सदस्य किशन पटेल, युवा नेता रमेश चंद्र लुकुमरा, रूपशंकर पदम सिंह, कैलाश सिंह, रोशन वडेरा, बाबूलाल खराड़ी, शिव कुमार गोरना, राहुल कोटारी, गणेश पटेल, महेंद्र पटेल, प्रभुलाल कुमावत, खेमरा सुतार, लाल सिंह देवड़ा, कमलेश पटेल, हिम्मत सिंह, केसुलाल पटेल, हरी सिंह बगड़ा, भरत सिंह, रमेश डूंगरी, वार्ड पंच व सेवा दल की काफ़ी संख्याओं में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अशोक गहलोत सरकार के 3 वर्ष उपलब्धि पर रैली के रूप में सूरजपोल चौराहे पर पहुँचकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया।